मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ, एक मजेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। चार चींटियाँ रास्ते में बैठकर बातें कर रही थी, तभी वहाँ से एक हाथी गुजरने लगा। उसे देखकर एक चींटी बोली, ओ हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ेगा? इस पर बाकी चींटियाँ बोली, रहने दे बहन, बेचारा अकेला है। टिंकू, डॉक्टर चश्मा लगाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। टिंकू, फिर ठीक है डॉक्टर, नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। चिंटू मिंटू से बोला, जल्दी उठ जा, भूकंप आ रहा है, सारा घर हिल रहा है। मिंटू बोला, ओए चुपचाप जाके सो जा, घर गिरेगा तो हमारा क्या जाएगा, हम तो किराएदार हैं। लड़की को एक अनजान नंबर से फोन आया। लड़की, कौन हो तुम, क्यों फोन किया? लड़का बोला, जी आपका नाम क्या है? लड़की बोली, शीतल। लड़की, अब बताइए आपका नाम क्या है? लड़का बोला, पेयजल। लड़की बोली, कमीने, मेरा मजाक उड़ाता है। लड़का बोला, सॉरी मैम, मेरा मतलब था फैजल। मोलू, आज तो चमत्कार हो गया। गोलू, क्या हुआ? मोलू बोला, खीर का कटोरा मुंह से लगाया तो दूध पेट में और चावल कटोरे में ही रह गया। गोलू, ऐसा हुआ कैसे? मोलू, जल्दी जल्दी में मैं मास्क उतारना ही भूल गया। बेटा, मैं आपका बहुत ध्यान रखता हूँ। पापा, पापा, हाँ मैं जानता हूँ बेटा, आपने कहा था ना कि मैं 10वीं में पास कर लूँगा तो आप बाइक दिलवाओगे। पापा, हाँ कहा था बेटा, मैंने आपके रुपए बचाए। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा, चावल। इंस्पेक्टर, गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। अब पप्पू की बारी आई। पप्पू डरते डरते बोला, सर जी, हम तो मुर्गियों के को 5-5 रुपए दे देते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो जाकर खा लो। लड़की, क्या खा रहे हो? लड़का, मूंगफली खा रहा हूँ। लड़की, अकेले अकेले? लड़का, अब 5 रुपए की मूंगफली में क्या भंडारा करूं मैं? पत्नी अपने पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, करंट लग जाएगा भाई। पत्नी, डोंट वरी, कल ही करवा चौथ का व्रत किया है, चेक कर रही हूँ, व्रत में कोई कमी तो नहीं रह गई। मोनू, जितना आपकी बेटी 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। लड़की का बाप,
ऐसी कौन सी गाड़ी चलाता है बे? मोनू। रोलर। सेल्समैन। मैडम, मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें पतियों के देर रात तक घर से बाहर रहने के 100 बहाने बताए गए हैं। क्या आप इस किताब को खरीदना चाहेंगी? महिला बोली, मैं इस किताब को खरीदूंगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? सेल्समैन, मैडम जी, क्योंकि इस किताब की एक प्रति आज सुबह ही मैंने आपके पति को।